लेट्स गो। सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुसार, आप लोग देख रहे हैं कोई गेम नामी यूट्यूब चैनल। हाँ तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे थंबनेल्स बना सकते हो लाइक ऐसे जैसे आप लोग को नजर आ रहे हैं। ये थंबनेल्स मैं बेसिकली बनाता हूँ फेलिड इमेज के साथ। तो अब आप लोग इस ये थंबनेल्स कैसे बना सकते हो? बेसिकली ये थंबनेल्स बनाना लोगों को तो आता ही होगा, लेकिन मैंने सोचा कुछ लोगों को ना आता हो, इसलिए मैंने एक कमेंटी बॉक्स पे पोल दिया कि क्या मुझे ऐसे थंबनेल्स पे वीडियो बनानी चाहिए। तो लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने बोला हाँ, कुछ लोगों ने ना भी बोला, क्योंकि ऐसी बात है अकेले को नहीं, बाकी लोगों को भी थंबनेल बनाने आते हैं तो कोई मसला नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन भाइयों को बनाने नहीं आते हैं और मैं ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं बांटता, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ जिसको आते हैं वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। तो बिना किसी देरी के तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये ऐप को खोल लेना है। ये ऐप का नाम मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। ये ऐप आपने खोल लेने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल्स। आपने सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा, आपने ब्लैंक मैसेज को, ब्लैंक मैसेज से मुराद ब्लैंक को खोल लेना है। ये थोड़ा सा लोड हो उसके बाद ये भी खुल जाएगा। फिर आपने प्लस वाला आइकन पाना है। अपलोड्स पर आ जाने के बाद आपने यहाँ पर अपलोड मीडिया या अपलोड इमेज जो भी लिखा हुआ है, अपलोड मीडिया लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास आके गैलरी खुल जाएगी, आपकी सारी पिक्चर्स आपके पास शो हो रही होंगी। लेकिन आप लोगों को जो पिक्चर चूज करनी है, आप लोगों पिक्चर को यहाँ पे चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक आप नीचे के इमेजेस वाले एक्शन पे भी आप लोग के सारे वो खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी वीडियोस, आप लोग की सारी पिक्चर्स आप लोग को मिल जाएंगी। आप लोग वो पिक्चर्स को ले सकते हो, और पिक्चर तो आप लोग को जोन से भी चाहिए इंटरनेट से मिल ही जाती है, वो तो आप लोग यार इतने समझदार हो। आपने जो पिक्चर चाहिए जिस पर थंबनेल बनाना है, वो पिक्चर को लेना है, ऐसे लगा देना है, उसको बड़ा कर लेना है। देखो मैं ऐसे पोर्ट्रेट पिक्चर की बात कर रहा हूँ, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ऐसे पोर्ट्रेट पिक्चर को आपने बड़ा कर लेना है, उसके बाद आपने थोड़ा नीचे नीचे स्क्रॉल करना है। अब मैं स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ बेसिकली क्योंकि मुझे चाहिए ब्लैक फेडेड इमेज जो मेरे पास पड़ी हुई है बहुत पहले से ही, और उस फेडेड इमेज को आप लोग देखते होंगे कि कैसे मैं अपने थंबनेल में यूज़ करता हूँ, वही फेडेड इमेज मुझे चाहिए। वो फेडेड इमेज मुझे तो नीचे स्क्रॉल करके मिल जाएगी क्योंकि वो मैंने बहुत पहले ही डाउनलोड करी थी। लेकिन अगर ये आपको भी चाहिए तो आप लोग गूगल पे जाके सिंपली सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, गूगल पे जाके के ब्लैक फेडेड इमेज PNG का आपके पास आ जाएगी। आपने उसको बेसिकली सिर्फ डाउनलोड करना है और यूज़ कर लेना है। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं आपको पर्सनली ये सेंड कर दूँगा। थोड़ा स्क्रॉल मैंने बहुत करा, उसके बाद आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद आपने इस फेडेड इमेज को थोड़ा सा यूँ घुमाना है और इसको सही तरीके से यहाँ पे यूँ लगा देना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो किसी भी तरह से बना सकते हो आप लोग। बस इस वीडियो को आप लोग को मैं बता देता हूँ मैं किस ऐप से और कैसे बनाता हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले फिर ब्लैक जो आपके पास ब्लैक, वो आपको एक इमेज भी पूरी चाहिए ब्लैक, बिल्कुल वॉलपेपर टाइप, वो भी आप गूगल से मिल ही जाएगा, लेकिन ब्लैक सिंपल ब्लैक वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। अब इस तरह की आपकी लुक सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है। देखो फिलहाल तो इनका मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, तो मैंने अभी जैसे मैं थंबनेल्स बेसिकली बना रहा हूँ उस लिए और आजकल की थीम के ऊपर आप लोग को बनाना है, तो उसलिए मैं आप लोगों को ऐसा थंबनेल बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ गया रोड टू रेसलमेनिया, आपने इसको छोटा करना है और इसको यहाँ पे लगा देना है। अब देखो बेसिकली तो ये थंबनेल जो है ये आप लोगों को मैं सेंड कर दूँगा, बिकॉज ये थंबनेल मेरे कोई काम का नहीं है, हो सकता है किसी दिन एमरजेंसी में मैं भी इस थंबनेल को यूज़ कर लूँ। लेकिन अगर आपको यही थंबनेल अच्छा लग जाता है तो आप लोग ये थंबनेल मुझसे ले सकते हो, मैं आप लोग को सेंड कर दूँगा कोई भी गेम का लोगो लगा के। बेसिकली यहाँ पे आपने इसको ऐसे एडजस्ट करने के बाद आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो। आप एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे रोमन नेम्स का स्पेशल कर रहे हो तो आप लिख दोगे ट्राइब चीफ हेड ऑफ द टेबल, आपकी मर्जी। या तो आप बेसिकली कुछ तो लिखोगे ना, जैसे लिख दोगे सिंपली रोमन रेंज स्पेशल, या आप लिखोगे ट्राइब चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज स्पेशल। तो जैसे कि लिए आप लोग के थंबनेल के मुताबिक आप जिस चीज़ का कर रहे हो आप लोग वैसे लिखोगे। फिलहाल मैं तो कर रहा हूँ ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज के ऊपर ही आपको बना के मैं बता रहा हूँ, तो मैं भी लिखूंगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज। अब यहाँ पे ये दो कलर एक साथ मुझे अच्छे नहीं लग रहे, बिकॉज ये देखो ये कलर में वो दो अलग और ये अलग ऐसे सूट नहीं कर रहा, तो हम इसको एक तरीके से कलर तो आप अपनी मर्जी से कोई भी जो आपको पसंद है वो आप चूज़ कर सकते हो। इसको ये मैंने थोड़ी ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया, इसको मैंने ऊपर से यूँ मिटा दिया। आप लोग ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बेसिकली सिर्फ लेना ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज
और आपने एक बीच में वर्सेस डाल देना, मतलब जो लिखना लिखना, लेकिन बीच में आपने तीन कलर कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। देखो अब ये हो गया तीनों अलग अलग कलर, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो तीनों अलग अलग कलर हो गए, ये अच्छा लग रहा है। अब आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कोई सा भी कलर कर सकते हो, एक कलर भी कर सकते हो, वो बेसिकली सब आपके ऊपर है। अब ये करने के बाद आपको अपने गेम के भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने जैसे कि मैंने एडजस्ट कर दिया, उसके बाद आपको अपने गेम के भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने वापसी प्लस वाले आइकन में दबाना, वापस यहाँ पर अपलोड्स पर आ जाना है। यहाँ पर अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ईजीली वो भी खुल जाएगा। अपने उसके बाद जो गेम आप यूज़ करते हो उस गेम का लोगो चाहिए। मैं तो यूज़ करता हूँ बेसिकली तभी भी 2K20 यू खेलता हूँ, जिसके मैं आप लोग के साथ शेयर भी करता हूँ, तो मैं 2K20 का यहाँ पे लोगो लगा लूँगा। लेकिन बेसिकली मैंने इस ऐप से इतने थंबनेल्स बनाए हैं कि ये ऐप में बहुत मेरी चीज़ें नीचे दब गई हैं, उसके बाद मैं ऊपर कर लूँगा। लेकिन 2K20 का मुझे लोगो मिल गया, लोगो खैर लोगो, मैंने उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद वापसी प्लस वाले आइकन पर आपने दबाना है, नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपने देखो अब आप यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट जाके जैसे आप लोग ने लिखोगे रोमन जैसे एग्जांपल के आप लोग को जैसे मैंने बताया, वहाँ पे जाके भी आप लाइव लिख सकते हो। लेकिन मैंने इंटरनेट से एक ये लाइव का एक ये डाउनलोड करा जो मुझे थोड़ा बेहतर लगता है ब्लैक पे फेडेट पे, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, या आप भी इंटरनेट पे जाके लाइव फॉन्ट्स लिख के ऑसम ले सकते हो, वो सब आपकी चॉइस पे बैठा करते हैं। उसके बाद आप तो ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करता है, यहाँ पे आते डाउनलोड पे करता है, या आएगा प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन, ऐसे ही ऊपर नीचे हो के आपकी डिज़ाइन आपके पास सक्सेसफुली आ जाएगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेव टू गैलरी, शेयर दिस डिज़ाइन। आप यहाँ पे गैलरी में आके अपनी डिज़ाइन को इजीली देख सकते हो, जैसे मैं देख रहा हूँ, और आपकी डिज़ाइन आपके पास आ जाएगी। इस तरह से मैं इस ऐप का यूज़ करके इस थंबनेल को बनाता हूँ। और इस ऐप का नाम है कैनवा, और ये मैंने शुरुआत में क्यों नहीं बताया, अभी बता रहा, पता नहीं। यदि इस ऐप का नाम है कैनवा से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर, चैनल पर देखो यार, चैनल को करो सब्सक्राइब, और मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ इंडियन टाइम 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम 5 PM, पता नहीं होता, मुझे ज्वाइन कर लिया करो। ओके बाय, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय यार, बाय नेम मूसा, सी यू ऑल, बाय बाय टाटा, सी यू ऑल, हाफिज, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड लव यू ऑल। सो गाइस, ओ भाई, ओवर एक्टिंग के चक्कर में